राम राम जी। और क्या आवाज़ आ रही है, आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है? अरे 3-4 दिन पहले मैंने वो Q&A के लिए फोटो डाली थी ना अपने यूट्यूब की, उसकी कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें क्वेश्चन आ गए यार बहुत ज़्यादा। मुझे लगी थी 300-350 आएगी, आराम से 1-2 दिन में पढ़ा के बना दूंगा वीडियो, पर क्वेश्चन आ गए भाई इंस्टाग्राम मिला के 1500-2000 से भी ऊपर। ऐसे इतने 1500-2000 क्वेश्चन में तो भैया Q&A तो नहीं बनेगा, इसमें तो कमेंट की रेहड़ी लगेगी, रेहड़ी सारे कमेंट थोक के वहाँ पढ़ने पड़ेंगे। अरे क्या हो गया, पुलिस पुलिस खड़ी है भाई, ओ बंदी कर लो कैमरा, कभी मुझे बना दे ब्लॉग अगर 1 दिन के अंदर ही। साहिल शिरोडकर भाई बोलते हैं, व्हाई चूज जापान ओवर वेस्टर्न कंट्रीज वेयर यू डोंट हैव एनी लैंग्वेज बैरियर? हाँ तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो तभी तो यार एक्साइटिंग सा कम है, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है क्योंकि सब कुछ तो पता है, मूवीज वूवीज देख रखा है और हर किसी का दोस्त कोई खानदान से कोई जानकार कोई ऑस्ट्रेलिया US कनाडा पैनेडा तो सारे है ही ना। जापान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा बढ़िया चीज़ है, मजा सा आएगा, एक्साइटिंग होगा, कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और लैंग्वेज बैरियर था तो मैंने लैंग्वेज सीख ली, अब मेरा बैरियर काफी हद तक कम हो चुका है। और लाइफ में तो बैरियर देखो आते ही रहेंगे ना हर जगह, कभी लैंग्वेज का बैरियर, कभी पैसे का बैरियर, कभी किसी और चीज़ का बैरियर, तो बैरियर क्रॉस करते जाओ लाइफ हो जाएगी सेट एकदम। और कब तक आसान रास्ता चुनेंगे यार लाइफ में, कभी तो कभी ना कभी तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो इट्स बेटर कि जल्दी से स्टार्ट कर दो ताकि जल्दी पक्के हो जाओ। हाँ नेक्स्ट बैंक चौहान पूछते, राम राम जी। राम राम बैंक भाई, जापान में रेसिज्म फेस किया है? इफ यस देन क्या हुआ था? रेसिज्म तो नहीं बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन जापान में होता है तो इसके तो कुछ कर नहीं सकते ना, वो तो जापान में नहीं हो तो हर जगह ही होता है ना, जो लोकल होता है वो अपनी ज्यादा वो चलाते हैं प्रधानगिरी की, भैया हम यहाँ के लोकल है हमें सब कुछ पता है, तुम बाहर से आए हो तू कहते नहीं चला रहा अपनी, तो वो एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है और डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा, जैसे जो भी लोकल होगा वो लोकल को सपोर्ट करता है, अगर वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाए ना बातचीत तो इतनी खास प्रॉब्लम होती नहीं है ऐसी। और जो हरामी पब्लिक होती है वो तो देखो हर जगह है। हाँ तो ये तेरी ये कोरियन जैप ने सारे लिख रखी है, ई जांग ह्योंग, ई जांग ह्योंग जैपनीज में ये कैसा नाम है, नाना शिरो खुसा थामासान, हाँ थामासान पढ़ लेंगे थामासान जी। सारी लैंग्वेज एक ही उसमें लिख दी। एनीवेज शेयर अ वेरी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड टू यू इन जापान। फनी इंसिडेंट तो मेरे साथ पहले दूसरे दिन ही हो गया था, मैं बताता हूँ। जैसे जहाँ से मैं आया हूँ ना हरियाणा की जिस जगह से फरीदाबाद, तो वहाँ पर बियर वियर दारू वारू का बड़ा हवा है, तो ऐसे चौड़े में ना लेके घूम नहीं सकते और घर पे पी के भी नहीं जा सकते क्योंकि घर वाले बम्बू चढ़ा देंगे, घर पे जाओ बाबा इलायची साईपान वाईपान खा के जाना पड़ता था। पर एनीवेज क्या होता है तो एक हवा बना होता है कि जैसे मेरा कोई दोस्त वोस्त बाहर से आता था या फिर उसके कोई फैमिली का आता था टीवी में देखो तो लगता बाहर के लोग थे चौड़े में बियर वियर पी लेते हैं रोड पे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर थी। तो जैसे जब मैं यहाँ पर आया था जापान में तो मैंने सुन तो रखा था पर मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि मतलब चौड़े में तुम बियर पी रहे हो पुलिस कुछ ना कहे, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ था कि भैया पुलिस तो मारती है पीने वालों को 100%। मैंने कहा चेक करूंगा एक बार, पहली बार था मेरा तो मन में मेरे डर बहुत ज़्यादा था पर एक क्यूरियोसिटी कि चेक करना। तो मैंने क्या करा, कन्वीनियंस स्टोर से बियर ली और घबराता मेरे घर के पास पुलिस बॉक्स जो होता है वहाँ पर अंदर 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो मैं बियर सी लेके पुलिस बॉक्स के बाहर एक छोटी रेलिंग सी थी मैं वहाँ पर जाके बैठ के हल्का सा पीने लग गया और पुलिस को देखने लग गया कि क्या कहते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इग्नोर करते हैं। तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा पी रहा पार पर पीछे मुड़ के देख रहा, फिर मैंने कहा कुछ नहीं कह रहा ये तो सही है यार मौज आ गई। फिर मैंने अपने दोस्त को वो वीडियो कॉल करे इंडिया में, मैंने कहा देख रहा बेटा थाने के बाहर चौड़े में बियर पी रहा ये होता है विनेश, मेरा दोस्त ही कह रहा सही है यार ये तो सही बात निकली कि ऐसे पी सकते हैं। तो मैं जब बार बार ऐसे देख रहा था ना तो पुलिस वाले खड़े हो गए थे अंदर से कि ऐसे कोई फॉरनर बाहर खड़ा है इसको शायद हो सकता है, बार बार पुलिस बॉक्स में देख रहा हूँ थोड़े शक्ल पे मतलब घबराया सा हुआ तो शायद हो सकता है इसको कुछ पूछना हो क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आराम से रास्ता वस्ता बता देते हैं पूछो। तो मैं देख रहा जैसे वो खड़े होके थोड़ा सा बाहर चल के आने लगे, वो सिर्फ हेल्प के पर्पज से आ रहे थे, पर मुझे लगा कि यार ये तो आगे पकड़ने सालों ने झूठ बोला ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं खड़ा हो गया और फिर मैं धीरे धीरे चलने लग गया। मैंने कहा चुपचाप निकल लो अब पुलिस पकड़ लेगी, पर मैं भी यार ऐसे हाथ में साइड में छुपा के ऐसे धीरे धीरे चलने लग गया, फिर वो थोड़ा सा और चलने लग गए, तो मैं बार बार देख रहा हूँ बार बार चल रहा हूँ तो उनको ये सस्पिशियस लगा कि ये कौन जेब की तरह से शकल का, पुलिस बार बार देख रहा है घबराया हुआ कुछ गड़बड़ था कुछ बात है तो पुलिस तो पहचान लेती है शक्ल से, तो थोड़ा सा उन्होंने तेज चलने लग गए, उन्होंने मेरे को आवाज लगाई सुईमा से, तो मैंने कहा यार पकड़ दिया साल उन्हें लगवा दिया लेंटर, ऐसा कुछ नहीं होता विदेश में हो चाहे कोई सा भी देश हो चौड़े में बियर अलाउड है ही नहीं, मेरे को फंसवा दिया। तो मैं घबरा के भागने लग गया, तो मुझे भागते देख पुलिस वाले और तेज भागने लग गए, ये तो भाग रहा है, तो फिर और थोड़ा सस्पिशियस हो गया था ये चोर है क्या है,
फिर भागने लग गए थोड़ा और तेज, पुलिस वाले और तेज भागने लग गए, तो मेरे कह रहे छठ यार लग गए लेंटर। पर उसके बाद था कि पुलिस से कितना भागोगे, नया नया आया हो यहाँ पर, तो मैं खड़ा हो गया उनके, सॉरी 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 मुझे नहीं पता था, ऐसा अलाउड नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा आज के बाद, भगवान का सब मैं छूंगा अभी नहीं, मुझे छोड़ दो, टूटी फूटी जापनी में मैंने उसे समझाया, तो फिर वो हंसने लग गए कि कह रहे यार अच्छा ये बात है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से बचिए, जो तुम्हारी केन है इसको ऐसे फेंकना मत, इसको डस्टबिन में फेंक देना और अपना घर आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो। मैंने कहा अरे सही में, तो मैंने रिलैक्स हुआ था कि चल ठीक है। तो पुलिस वाले भी मेरे पर खूब हंस रहे थे कि इतना फट्टू को कैसे हो सकता है। मैंने कहा आओ कभी हमारे फरीदाबाद और पी के दिखाना था आने के बाद पियर, तुम्हें पता चल जाएगी मेरा डर कितना सही है। अगला कमेंट, जिगर गांधी, आई एम योर बिग फ्रेंड डियर, मुझसे शादी करो गे गे। जापान में टू बॉयज कैन ऑफिशियली मैरी ईच अदर। मैं सीधा साधा स्ट्रेट लड़का हूँ, इन सब चीज़ों में मेरा कहीं कहीं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। थैंक यू अमन मरा, वहाँ पर जाने से पहले ओहा पर कोई रिलेटेड था कि नहीं, लाइक एफबी गर्लफ्रेंड? अमन वर्मा भाई मेरा जापान आने से पहले रिलेटिव या कोई गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, एक सुई बराबर एटॉमिक कोई वो होता है ना कुछ डस्ट पार्टिकल, मेरा वो भी नहीं था कोई जानकारी वहाँ पर। मैं और मेरा दोस्त था, मतलब अभी भी है, वो वापस चला गया इंडिया, हम दोनों साथ आए थे और हमको यहाँ पर कोई कहीं कुछ भी नहीं जानता था। हाँ नेक्स्ट कमेंट, आकुई भस्मी, जापनी स्टडी के लिए कौन से बुक्स और ऐप बेस्ट हैं? भाई मैं बताऊँ ना सीरियसली, बुक्स जो है ना बतेरी बुक्स है, सब में है तो लैंग्वेज ही, बस कहने का अलग अलग तरीका होता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। जो मुझे जो ईजी लगती है, जो समझने में आसान है, वो है मीन नानो निहोंगो करके किताब आती है, बहुत पुरानी चल रही है वो, उसका इंग्लिश वर्जन भी आता है, तो जैपनीज और इंग्लिश दो वर्जन होते हैं, उसके दोनों को साथ लो और उसको रीड करते रहो, वो एक काफ़ी इजी बुक है, पर वो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं है, वो JLPT के लिए, फिर वो JLPT बुक्स अलग से आती है, क्योंकि एक एग्जाम के लिए पढ़ना और नॉर्मल अपनी नॉलेज और अपनी प्रैक्टिस के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ऐप भाई, ऐप वैप पे ना सिर्फ मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट करा था, तो ऐप छोड़ो, किताब उठाओ और उसको पढ़ना, रीड करना चालू कर दो, और टीवी पे देखो, यूट्यूब पे देखो, जो भी चीज़ पसंद है तुम्हें। मेन पहली बात यह कि तुम वो काम करो लैंग्वेज में जो तुम्हें काम करना पसंद है, जो चीज़ तुम्हें देखनी पसंद है, फिर अपने आप इंटरेस्ट बनने लग जाता है। विक्की राज, नमस्ते भाई, मैं अभी अब कुछ दिन में जापान आने वाला हूँ, तो मैं आपसे कैसे मिलूंगा? विक्की राज भाई बिल्कुल यार आओ, आराम से मिलेंगे, मौज करेंगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम लो मोड नाम से मेरा है, हो सकता है मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर दूं, पर मैं करूंगा जरूर। गुड गाय कहते हैं, जापान में स्कूल्स की फीस कितनी होती है और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की कितनी होती है? फीस पता करने का ना सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीका बताऊं गुड गाय भाई, इस धरती पे एक ऐसी चीज़ है जिसको ना सब कुछ पता है चाइना नहीं, उसको तो पता ही है, पर गूगल करो, क्योंकि हर स्कूल की फीस अलग होती है, हर यूनिवर्सिटी की फीस अलग होती है ना, तो बस आपको गूगल पे उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, उस स्कूल का नाम डालना है, उसका पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें फीस भी लिखी आती है, आराम से बैठ के उसको देखो पढ़ो, क्लियर बात आ जाएगी समझ में। इजी टेक्स कहते हैं वन डे आई कम जापान, दिस इज माय ड्रीम, दिस इज माय क्वेश्चन, वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है या ठंड रहती है? बिग फैन ब्रो। अरे थैंक यू भाई, सिंपल सा सिस्टम है यार, गर्मियों में गर्मी रहती है, एकदम भक गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई में होती है ना और साउथ इंडिया में होती है, पसीने 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 आते हैं, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ठंड में ठंड भी बहुत होती है, और बहुत सारी जगह तो बर्फ भी पड़ती है। आशु कहते हैं वर्जिन हो बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन जरूर लेना भैया। अच्छा जी मिलते हैं अब वीडियो में, राम राम। हाँ सलमान खान की तरह एकदम कंचा पीस वर्जिन हूँ मैं। क्रिस्टैक कहते हैं, शादी किससे करोगे, इंडियन से जापानीज से, बताओ। Q&A उसके नीचे ओमकार यादव भी कहते हैं Q&A, राम राम जी, जापानीज लड़कियाँ इतनी पतली क्यों होती हैं? शादी किससे करोगे, इंडियन से जापानीज से? भैया ब्याह की तो वैसे रहती है जिससे जोड़ी का संजोग जुड़ जाए, जो मन में भा जाए, जो ठीक ना लगे उसी से कर लो शादी यार, इंसान तो मोस्टली सब जगह सेम ही होता है ना, थोड़ा बहुत कल्चर का फर्क होता है, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। खैर, और जापानीज लड़कियाँ इतनी पतली क्यों होती है? मेरी वीडियो नहीं देखी क्या ढंग से? जो टीवी में जैसे मॉडल होती हैं, जो आइडल होती है, जो डांस वांस करती हैं, और जो मतलब सीरियल्स में ड्रामा में आती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा पतली लड़कियाँ खूबसूरत दिखाई जाती है, तो उनको कॉपी करता है हर कोई, फिर तो सब फिर पतले होने के चक्कर में लगे रहते हैं, पर ऐसा नहीं है, मोटी अच्छी खासी तगड़ी लड़कियाँ भी रहती है, वो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। विशाल पुष्डेकर, सॉरी भाई अगर नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो किसी जापानीज को हिंदी में गाली दी है क्या? दो, या किसी जापानीज को हिंदी गाली सिखाई है क्या? जापानीज को हिंदी में गाली दी है? हाँ ऑफिस में तो भैया निकल जाती है मेरे मुंह से, कभी कभी
काम थोड़ा इधर उधर हो जाता है जैसे, पर मैं मीन करके नहीं बोलता, दिल से नहीं देता था। किसी किसी को तो मैंने दिल से दी है, या किसी जापानीज को हिंदी में गाली सिखाई है, हाँ अरे भतेरी सिखाई है। आनंद ठाकुर जी कहते हैं, जापानीज ओल्ड पीपल हाउ कैन दे रिएक्शन विद फॉरनर्स इफ ही वॉज डूइंग अगेंस्ट हिज कल्चर, इफ यू एंड योर फ्रेंड्स हैव फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज। तो ये क्या रहता है कि कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो तो गलती से तुमसे कुछ गड़बड़ हो जाए या तो वैसे वो तो तुम पे चिल्लाएंगे, तो उसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलना कि यार तो समझ लो कि भैया कुछ परेशानी होगी उसको, इसलिए गुस्सा कर रहा है, इतने गुस्से करने वाली बात है नहीं, होता रहता है यार नॉर्मल जिंदगी में, तो इसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, ये सब तो जिंदगी का पार्ट है, देखो ये तो चलता ही रहेगा। कोई तो शनिचर तुम्हारी जिंदगी में आके नाक मारेगा ही मारेगा, तो तुम्हारा काम है बस काम डाउन, झेलते रहो, चिल मारो। अगर सपोज जैसे आपसे कोई कल्चर से लेकर या किसी चीज़ से कोई गलती हो गई है, अगर आपके सेम एज ग्रुप का या फिर थोड़ा भी समझदार इंसान होगा तो आप उसको सॉरी बोल के समझा सकते हो, ऐसे सॉल्व हो जाती है चीज़ें। पर कुछ कुछ अकड़ू होती हैं, फिर अब किसी बुजुर्ग से आप बहस भी करोगे तो आपको ही गलत माना जाएगा ना, तो आपके ऊपर है कि अगर कुछ गलती से हो भी जाए तो उसको हाथ जोड़ के सॉरी वॉरी बोल के निकल लो, वहाँ बहस मत कर, क्योंकि उस चीज़ का कोई कंक्लूजन नहीं निकलने का, क्योंकि आप किसी जापानीज से आर्ग्यूमेंट में जीत ही नहीं सकते भाई, ये तय है। चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, बस कोशिश करो आप अवॉइड करो इस चीज़ को, क्योंकि क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक जापानीज से जापान में आप आर्ग्यूमेंट में बहुत मुश्किल हो जाता है जीतना, और उससे परेशानी आपको ही होगी पहली बात, और दूसरी बात आपका टाइम बहुत जाएगा, और तीसरी बात जब अगर भगवान ना करे खुदा ना खास्ता अगर चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, फिर क्यों फालतू में कलेश पैदा करना, हाथ जोड़ो निकल लो चुपचाप। तो कमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो में सारे कमेंट कवर करने, तो भैया नारुतो के बस की ना है, एवेंजर्स के बस की ना है, तो वीडियो बनती रहेंगी और कमेंट की रेडी लगती रहेगी, टेंशन मत लेना, जिसका रहेगा उसका अगली में, और जिसका अगली में रहेगा उसका और अगली में, ऐसे बनती रहेंगी, ठीक है। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनको सच में बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम तो कर लेना बाद में भाई, कोई आफत ना आ रही, अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।